नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी की लहसुन मंडी में मौजूद है। लहसुन मंडी आज रविवार के अवकाश के बाद खुली है और जो आवक की बात करें तो तकरीबन आज 12 से 13,000 जो बोरी की आवक मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर दामों की बात करें तो पिछले कई दिनों से, पिछले सप्ताह की बात करें तो दामों में गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन अब धमाकेदार बात यह है कि आज 1,000 रुपये की तेज़ी देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो दाम, औसत दामों की बात करें तो जो देसी है, देसी तकरीबन 7,000 से लेकर 18 से 19,000 तक जा रहा है। वहीं ऊटी की बात करें तो ऊटी तकरीबन 8,000 से लेकर 25 से 26,000 तक औसत दाम मिल रहे हैं। यहाँ हम कुछ किसान भाई हैं, उन्हीं से बात करेंगे। दादा, कहाँ से हैं आप? रामगंज मंडी। क्या शुभ नाम है आपका? जीतमल। तो अभी क्या लेके आए हो, कितनी कौन सी वैरायटी की लहसुन लेके आए? देसी लहसुन लाया। तीन तरह की लाया है? तीन तरह की लाया। क्या क्या भाव भाई? वो एक 7200, एक 8200, एक 14,000। कौन सी 14,000 वाली दिखा सकते हैं आप? एक मिनट दिखाओ, पब्लू भैया दिखाना है 14,000 वाली। अभी दाम मिल रहे कैसे मिल रहे हैं? बढ़िया मिल रहे हैं, बढ़िया मिल रहे हैं। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में और दाम तेज होंगे क्या? तेज होंगे सर। तो अभी एक जानकारी और दूंगा मैं आपको, आपको खुशी मिलेगी उससे। तो जैसा कि ये जो दाम है आप यहाँ दे सकते हैं, ये 14 में गई है और ये कितनी गई है? ये 11। ये 11,000 गई और ये 7,000। ये कितने? 8,200। ये भैया 8,200 गई है। तो कुल मिला के जो दाम है आज बेहतर है। आज जो दाम है काफ़ी टाइट है, मतलब 1,000 रुपये की आज तेज़ी देखी जा रही है, जिससे किसान खुश है। ख़ास तौर से एक और बात आपको बताना चाहूँगा, महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले जो 7 दिन हैं वो किसान भाइयों के लिए खुशी ला सकते हैं, जो जिनके पास लहसुन का स्टॉक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो आने वाले दिन हैं उसमें हो सकता है, जैसा सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अब हाँ एक्सपोर्ट खुलेगा और निश्चित तौर से इसके बाद जो तेज़ी देखी जाएगी वो किसान भाई देख के काफ़ी खुश होंगे। वहीं दूसरी ओर आज से ही तेज़ी का दौर शुरू हो गया है और अनुमान है कि 7 दिनों के अंदर या 7 दिनों के बाद, जो 7 दिन बाद जो लहसुन के दामों में तेज़ी देखी जा सकती है। फिलहाल कुछ किसान भाई हैं। कहाँ से? प्रतापगढ़ से। क्या लेके आए? अभी तो पोस्ता लेके आए थे। पोस्ता लेके आए? हाँ। पोस्ता क्या भाव चल रहा है अभी? टिनोबाल बिक रहा है 1,10,000, 20,000। हाँ। अभी लहसुन है क्या आपके पास? लहसुन तो है ना। बेची आपने? नहीं, अभी तो नहीं बेची। क्या क्या लग रहा है, कौन सी रेट, देसी है कि ऊटी? देसी है, ऊटी भी है। ऊटी तो कैसे रोक ली फिर आपने, रुकी कैसे? ऊटी बेच रहे हैं यूं वैसे, बॉक्स में बेच रहे हैं। बॉक्स में बेच रहे हैं। हाँ। तो क्या कहाँ तक गई देसी आपकी? देसी ऊटी, ऊटी वाली 25 से 30,000 गई है। हाँ। अभी स्टॉक पड़ा, कितना पड़ा होगा? स्टॉक तो है, थोड़ा बहुत है। आप कहाँ से आया दादा? रामगंज मंडी। रामगंज मंडी से लहसुन लाए, क्या भाव बिकी? 16,500। आज दाम जो है थोड़े अच्छे हैं। अच्छे हैं, पिछले जो 7 दिन में लगातार नीचे आ रहे थे 205। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अब फिर से 1,000 टाइट दिखे आज? नहीं देखो, 2 दिन से आज ज्यादा तेजी है। हाँ, वो पिछले जो दो दिन पिछले सप्ताह की बात करो, आज सोमवार है, सोमवार पहला दिन है, पिछले के जो 7 दिन है उसमें कम नरमी थी, अब तेजी आ गई है। अब लहसुन आपके पास पड़ी कितनी? नहीं नहीं, हमने निकाल दिया, टोटल निकाल दिया। सही। क्या लग रहा है लहसुन का भविष्य कैसा दिख रहा है? देखो अब आने वाले समय हम तो क्या बता सकते, हम तो काश्तकार है। नहीं तो लगता होगा अब बढ़ेगा। अपन रामगंज मंडी से। आप लहसुन लेके आए? क्या भाव बिकी आपकी लहसुन? हमारी 16,800। इधर आ जाओ, जा उनको सामने आओ, इधर आ जाओ। तो क्या क्या लग रहा है, और बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो निश्चित तौर पे जो आने वाला, जो हमारे व्यापारिक भाई जो है वो बता रहे हैं कि आने वाला समय लहसुन के लिए और अच्छा होने वाला है। अब देखना होगा कि वो समय कब आएगा और क्या दाम रहेंगे। फिलहाल जो किसान भाई आज भी जो दाम मिल रहे हैं, और पिछले जब हम नरमी की बात कर रहे थे तब भी किसान भाई खुश नज़र आ रहे थे। उनका यही कहना था कि काफ़ी बरसों के बाद इस तरह के अच्छे दाम मिले हैं और जो दाम हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। निश्चित तौर से जो आने वाला समय है वो और बेहतर दाम लेके आएगा, जिस तरह की हमारे जो सूत्र बता रहे हैं। अब देखना होगा कब तक। हाजी भाई सबके दाई, अरे ये है कि अब दूसरे चीज़ें को भाव नहीं है, सोयाबीन का नहीं, मेथिया नहीं, क्या बेचें? किसान इसको ही बेच के कुछ गुजारा तो चलाना पड़ेगा ना, इसको ही बेच के गुजारा तो चलाना पड़ेगा ना। ठीक है, रुपए तो इससे अच्छे पैसे मिला के, ये अच्छे रुपए आ रहे हैं।
पिछले साल से तो डबल पैसे आ रहे हैं, अच्छा मार्जिन आ रहा है। आज से दो तीन साल पहले ये स्थिति थी कि कुछ किसान भाई को लहसुन फेंकना पड़ रहा है, फेंकना पड़ रहा था ना साहब, और निकालना मजदूरी भी महंगी पड़ रही थी, महंगी पड़ रही है, अच्छा मार्जिन। कुल मिला के जिस तरह के किस तरह के जो दाम मिल रहे हैं उससे किसान काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, और आने वाला जो समय है निश्चित तौर से लहसुन के लिए अच्छा साबित होने वाला है। विजित महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।